आ जोड़ा को ई मतलब मारा घर बस जंदे में अपने उस आवास में ई बार तेरा नहीं था ना 2 महीने नौकरा की तरिया पेल कर रखा मन वा भी कुछ नहीं आ दो लियो और ये पहन लिए मैंने एलियन सा तूफान सा मेरे पति को है कितनी मोटी है 110 की ले मैंने ये ड्रेस गुन्नू की कितना बड़ा साइज है 5 साल के बच्चे का ये ऐसा नहीं पड़ रहा राम राम जी सारे ने और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है, जो दिन की दिनचर्या होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो भी कुछ आज रहेगा। कोशिश तो ये रहती है आप लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया ब्लॉग बना सकूँ। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो धीरे धीरे आप लोगों के लिए बढ़िया ब्लॉग। बांध टूटी है ओके कह रहे थे हम। वो तो भाई मेरी चाची बताने लग रही थी, न्यूज़ देखी होगी मेरी चाची ने कि भाई बाढ़ आ गई है हरिद्वार में और अच्छा। बहुत सारी जगह में तो एक मतलब वो डैम टूट गया होगा, उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई है और कुछ मिले नहीं है। ज़्यादा जानकारी मेरे पास है नहीं, मेरी चाची बता होती हूँ तो मैं फ़ोन में देखती थी पर ज़्यादा कुछ मैंने देखा नहीं। फेक नहीं होती, कैसी बात कर रहे हो? बाढ़ तो आई होगी पर डैम थोड़ी ना टूटे कराया। हाँ मतलब एक डैम टूट गया है, मैंने देखा था फ़ोन में, ज़्यादा उसके बारे में सर्च करूँगी देखूँगी फ़ोन में। अभी काम करने लग रही थी, बर्तन मांग के दर यहाँ बर्तन ज़्यादा हो गए थे और मैं दादी उड़ा लेगी बच्चों ने गुटली और चालन कितनी होगी इसने तो सीधा जाओ तो बाहर बाहर गुन्नू खेलने लग रही बाहर गया। मैं हाथ लाऊंगी नहीं तो रोन लग जाएगा कि मेरी गाड़ी का हाथ लाओ, मेरी गाड़ी का हाथ लाओ है। तो हरिद्वार में तो भाई गाड़ियाँ खिलौने की तरह भाई है, बहुत नुकसान हुआ बेचारे लोगों का। मतलब गाड़ी लाने के लिए कितना सपना हुआ, कितने पैसे इकट्ठे करने पड़े और उनके सपने मिल जाएगी। अरे फिर भी यार नुकसान तो हुआ है बेचारों का, कोई गरीब हुआ कोई अमीर हुआ सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। बच्चे दादी रही है यार, थोड़ी सी बूंद आई थी, ज़्यादा कुनी आई थी, बस थोड़ी सी आई थी। आंगन आंगन गिल्ला होया, वो भी 2 मिनट में सूख गया तेज धूप के कारण। अरे पूरा डूबू ने छोड़िए दादी, इसने मैं नहा दूंगी, इसने खेलने दे, इसकी मन मर्जी करन दे, के करना चाहे पड़ेगा ऊपर रंगा ठा ले दादी, इसकी टांग इतनी गंदी हो गई, थोड़ी देर में नहाऊंगी। मैं नहीं सोची ना खेलन दी ना जो मर्जी करना है पर मिट्टी नहीं खाने देना दादी। कुन्नू देखे, कुन्नू तो चाचे को भाग गया, इसने तो और कुछ नहीं, स्कूल से आंदी ये आया स्कूल से देखो मम्मा आज तो मैं मट्टी खा मैं रही मट्टी खावा गोबर खावा गोबर कर जा पड़ेगा छी 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 आ रहा आ गोबर खा मैं रही चुप ए प्रिया जा रुले कमरा उरे गोबर खावा ना कोई बात नहीं बेचारा सो जाएगा। और भाई मैंने लवर टी शर्ट लिए थे अपने लिए, तो सूट में बहुत गर्मी लग रही है और वो थोड़े से लंबे भी है। ताना थोड़े ना लिया थे, दवाई तो मैं नहीं थे फिर लिए तो मैंने, चलो आपने दवाई हो चाहे किसी ने दवाई हो। और भाई मेरे बेड में ही पड़े सामान इखर बिखर, ये मेरे दादी ने लिए थे स्टॉल टाइप है, ये चुंदड़ी सी है, ये बात का काम करना भाई मेरी दादी ने इकट्ठा करना सामान। तो धीरे धीरे मैं सारा सामान ले लिया, मेरी दादी ने ले लिया ये भाई एक गुन्नू वास्ते लिए थे कपड़े, तो ऐसे तो बहुत सारे लिए। सस्ते कैसे दे कपड़े हो? 110 की ले मैंने ये ड्रेस गुन्नू की, कितना बड़ा साइज है 5 साल के बच्चे का, ये 110 का बोलना भी बढ़िया था। प्यार से बोला ना उस टाइम भाई, हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि हमारी वीडियो मतलब मेरे फोन में वीडियो अपलोड। चलो भाई दोबारा होगा तो बता देना। इतने प्यारे अंकल थे ना, न्यू का बेटा एक बार न्यू कह दे, उन्होंने मेरे से न्यू का बेटा एक बार न्यू कह दे कि अंकल जी आपके सारे कपड़े बिक जाने चाहिए। तू तो सुबह सुबह मेरी बाग वाली बेटी आई, तुम्हें मैंने ये तो अपने लिए लवा टी शर्ट लिए थे, एक यू नेवी ब्लू कलर का है, एक ये इधर इस कलर का क्या नाम है बता देना कमेंट करके। ये यही पहनूंगी मैं और आप लोगों को दिखाऊंगी। और भाई कुछ सूट भी देने हैं मैंने सिलवाने के लिए, तो इबू अभी निकाल लूंगी, आप बैठ पकड़ो एक कोने से। तो भाई सूट देते हैं सिलाने के लिए अपने, ये रानी कुछ बच्चा हाथ पर सोच यार बहुत हो लिया, ये तो मैं जाती थी सिस्टम जे तो सूट सूट समान दे रहे बच्चे खातर भी छके बनेगा ये सूट शांति हम तो पता ये कद के धरे हैं ना बंद करिए कुछ अगर सूट सूट का मैं रह लूं मैं ये वाला सूट तो भाई सबसे हैवी सूट है
और सबसे पहले इसने सिलवाऊंगी। कहां से ले गया ये? हैं कहां से ले आई ये? मेरी मम्मी ने दिया। और इसकी सलवार है ना भाई, इतनी बेकार कपड़ा था इसका ना सलवार का, जो यूं कपड़ा था सलवार इस सूट की, ये सलवार है पर यूं मैंने स्किप कर दिया, मैंने यूं लिया इसके साथ। यूं तो मैच भी नहीं हुआ था, यूं मैच भी हो गया मेरा इसके साथ, लाइनिंग लगवाऊंगी जल्दी पकड़े। ये तो फिर देखो आखिर करिए यार, देखो मैं क्या मेरा जल्दी पकड़ गिर जाओ। रात एक मिनट बंद तो करने दो यार, छी रात कम बतौड़ी पकड़े मिनट कर दिया यहां से समय में आने पागल हो रही तो इतने सोच में। तो ये ले आई थी मैं आज, देख यूं तो मैंने देखा भी, यूं तो अंकल ने बोला साइज पूरा आई है ये, फिर मैंने न्यू करी उधर दिया और बोल कर ढंग से देखा भी नहीं न्यू भाई। हाँ जी ना साइज तो मैं बस और तो साली लगा दिया ना, मेरा दुख लग गया। लाइक मैं गाना बहुत है, 200 रुपए का न्यू का बेटा मैंने, बाकी तो सच बात तान लग रही आप लोगों को बेटा मैंने ये और होते 400 के बेच रखे और आप मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे अंकल थे और ये मैंने आपको मेरे को भाई 200 रुपए का दिया और फुल साइज है एंड बढ़िया। पॉकेट तो होनी इसमें शायद, तो भाई बहुत अच्छी है टी शर्ट ये और भाई मतलब कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा भी, यही पहन के ना है यही पहन लूँ सूट खोल दूँ तो लियो। और ये पहन लिया मैंने एलियन सा तूफान सा, मेरे पति को है कि तू न्यू मोटी है तू, मगर जब पे बैठाने गणा एक खुआ दिया देख कितनी मोटी होगी मैं देखिए। कोई तो भाई जब डिलीवरी के बाद कोई तो सूख जाओ और मन तो इतना सांदा खाए मैं इतनी मोटी हो सांदा तीन कोई एक बार खाता इतना तीन बार खाया था फिर आप लोगों ने इतना गलाया तो मैं क्या करूं, मन तो खाना ही पड़ा टेस्टी इतना बन रहा था। और भाई ये कपड़े पहने इतने रिलैक्स फील आए, हाय दादी बोले कि कुलदीप वास्ते भी यही ले लेंदी, मगर लेडीज के लड़कों के को नहीं है, दादी तो नहीं कहा ना ना ले लेंदी रात ने पैर दादी तो रात ने पैर लेगा नुका के दिख मकड़े मकड़े खुले खुले से। मैं सोचू थी मगर दादी वास्ते ले लूं और दादी को अब मेरे पोते वास्ते ले ले। अच्छा तो ना एक और भी तो ले रखा नहीं, फिर मैं पहली मन के फुंडे लग गए हैं वो खुले खुले हैं बहुत ज्यादा, खुले खुले करने भी लग रहा है पैर का सो जब वो अंकल दोबारा आएगा नहीं तो दोबारा ले आएंगे के बाहर दाना कर जाएंगे कर रहे ज्यादा दिन में मेरा भी ले आ गए। उस दिन कपड़े वाले की बात कर रहे हैं दोनों सासू बहू आपस में, जिन पे मन नहीं लिए क्योंकि जब मैं हिमाचल गई थी तो अंकल पहले भी आए थे और मेरी दादी ने उन पे ड्रेस ली थी। मैं तो तेरा भाई हूँ और करे और माँ था कौन का मैं तेरा बेटा हूँ, माँ आए माँ इतनी प्यारी और भाई उन्होंने खाना भी खिलाया था उनसे पर मेरे को नहीं पता आज बताने लग रही है सारी, पर मैंने प्यार सामने आया था वो पहले जब मम्मा चल जा रहे थे माए पर मिल गई मैंने तो मैंने तो एक माँ मिल गई एक बहन मिल गई इतनी प्यारी बहन जाकर कर रहा और मैं तो घर जाकर बताऊंगा। और मैंने नींबू पानी दिया आज मगाले अंकल जी के लिए, आप बेचारे थे और भाई टाइम पे आएगा टाइम पे जाएगा बेचारे बहुत नुका भाई देखो गली गली में फिरे बेचारे सात दिन फिरे 100 रुपए की दादी कौन देवा एड्रेस देवा आ गया इतना प्यारा इतना बड़ी मां पे आ गया टाइम हो गया और मैंने भी आज जल्दी रोटी बना ली, मैंने सोचा भाई बहुत टाइम हो गया आज बादल से थे पर अभी टाइम देखा 7 बजे है और अंधेरा भी नहीं होया तो मैंने तो आज अपना काम जल्दी निपटा लिया और कनिष्क की बुलाने लग रही, कनिष्क सो के उठा स्कूल से आया था फिर सो गया था। हाँ बेटा क्या चीज है सांप कहाँ है भगवान, इसको याद आ गया कि सांप कहाँ रखा है मेरे को नहीं पता कहाँ रखा है पता नहीं। और मेरी दादी और मम्मी उरा बैठी भाई गर्मी हो रही है अपना भीतर बाहर निकलिया भीतर भी बड़ा हो रही है और भाई मेरी मम्मी भी नहा ली यार मेरे पति तो कहने लग रही हूँ नहा लो अंदर है वो तो मैं उनको एक बार कह लूँ भाई नहा लो गर्मी इतनी हो रही। हाँ बेटा रुक जा मैं ढूंढूंगी मुझे नहीं पता कहाँ है सांप, दरिया होगा खड़ी रुक जा नकली सांप आए थे उसको पीछे नहीं उपट रहा मैंने तो लोग को रखे मेरे यहाँ फिर मेरे कट कर ना लो आप भी बच्चे के लो फिर खेल लिए फिर टुंटी नहीं आ रही है वो क्या बोलते हैं भर रखा मम्मी ने पानी ना लो है देखिए बच्चा भी रुआ दिया एक पिक्चर रोन लग रहा। आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लो जिम्मेदारी पर आप पे संभल देखो नहीं देखिए ना लो ना लो उठ जो जल्दी तेरे क्या हो गया बेटा तेरी दादी देखिए करोन लग रहा चलो आज मैं दादी के को आई के को दादी आप आंख देखिए तो भाई गुन्नू बोला मम्मा मैंने खाना खाना है बाहर बैठ के तो मैं गुन्नू तेरे खाना खान लग रही हूँ भूख लग रही थी पिस्ता तो खा दे दी मुझे मैं दादी को
देखी मैं बेटी देखिए राम का दे बेटी राम का गिलास पीना करने को मैं तो बोलता हूं फिर पी लेगा जितनी मां ये बोतल मुंह में मेरे गिलास फिर इसकी स्पेशल गिलास क्यों नहीं जाए फिर इसकी स्पेशल बोतल है यार इस पे दांत को नहीं चबदी को नहीं रोटी ढंग सर दांत तो सारे सड़ गए देख दुकानी चीज ज्यादा खा नहीं दो दुकान की आजकल उतनी कुछ ध्यान दे भी नहीं मैं रोटी ले आई मैं अपने पति वास्ते थोड़ी जली हुई सी है और अरवी की सब्जी बना रखी थी भाई मेरी चाची ने मैंने राजमा बना रखे थे मोटी रोटी की बनाई है पत्तों से बनाए गए थे ये तो मोटी मोटी में यार गर्मी में बाबू की सीप होई जावा आप खा लो ना और पहले तो भाई रोटी भी नहीं खाया करे था अब तो रोटी भी खान लग गया मैं लस्सी ले आई थी बना के दही जमाऊ डेली तो लस्सी भी बना दूं दूध लिया करो बाबू तो आप पहले दूध ले करते रोटी के लो अब तो लस्सी ले आनी का मैंने लस्सी बड़े लागे अरबी की सब्जी चाचा ने बना रखी आज प्याज नहीं प्याज प्याज मेरे दिन में काटे थे वो खाए आपने वो मैंने नहीं गिरने पड़े झूठे प्याज इतने महंगे हो रहे 100 रुपए के 2.5 किलो ही दे मैं प्याज देव और भी आ गया मेरे पति भी आ गया और मैं भी आ गई रोटी खा के बैठे हैं और भाई मेरे पति आज मेरे देवर से भी माफी मांगा है क्योंकि आप लोगों को भी पता है इसने मेरे देवर के लिए भी पता नहीं क्या क्या बोल रखा कितनी बदतमीजी तक बात कर रखी और आज मैं मतलब खुश हूँ 2-3 दिन हो गए भाई ये मेरे घर ठीक थे प्यार से बात करने लग रहा है देखो विश्वास तो अभी भी नहीं है सच बात बताने लग रही हूँ ऐसा नहीं है कि भाई इसने माफी मांग लिया मैं रिफर जाऊंगी नहीं तो यार रिश्ता तो बनना है इस तरह करना है मैं 2 दिनों लिए यार भी मैंने एक बार आप पे विश्वास करके देख रखा और आपने तोड़ दिया मेरा विश्वास और भाई आप लोग अपने अपने लग गए कहता मैं यार मैं ही थोड़ी ना अरे भाई इंसान बदलने में ना 1 सेकंड लगाता तो भाई यह बात मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ू यह बात बहुत जल्दी 2 दिन हो गए ना ऐसा हो रहा भाई मैं अपनी जिंदगी में वापस लौट आ रहा हूँ मन माँ कसम मैं मेरे कुछ भी याद को था मैं कुछ करे करूँ था मन सब दुश्मन तो आप... अगर तुमने टोके करे थे नहीं भाई उठ ले या कुछ कर ले मेरे दिन में इतना गुस्सा हो गया ना, 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 देखो चलो ठीक है आप सुधर जाओगे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई तरता बिल्ला मैं सब देश में माफ मांगना है भाई तरता भी भाई मन तरता आगे पीछे कुछ कहो मैं अपने उसमें कौन था यार सही था मुझे और भाई मैं तना भी करूं भाई तना प्रिया का इस भाई ने मेरा इतना साथ दिया मेरा देवर है पर मैं इसने अपने छोटे भाई की तरह मानू और मतलब कभी इसने मेरे बारे में गलत नहीं बोला हमेशा मेरा साथ दिया बेचारा जो भी मैं सामान मंगाऊं जब मैं कहूं भाई वीडियो बनानी उड़ी रही है तो मतलब इतना साथ दिया भाई इस इंसान ने मेरा साथ छोड़ दिया पर मेरे भाई ने साथ को नहीं छोड़ा पर सही बात है भाई बहन का रिश्ता वही ऐसा है तो वही चलो तो देखेंगे विश्वास अभी विश्वास तो करना पड़ेगा देख तो मैंने बार बार चिड़िया होगी नहीं फिर गुस्सा टाओगी फिर मैंने गुस्सा भी आज पिछली बार ठावेगी नहीं फिर मेरा जमा जड़ा उड़ जाए तो उन बात ना भूल जाए अगर मेरी बात सुन मैं तो घर बसान की पहले भी कहूँ थी और इबी भी कहूँ थी ई बोल रहा तेरा बबीता का झगड़ा यहाँ थे मेरे ऊपर एक बार शक जावा मैं तो उन तक खोल था 2 दिन हो गए मैं फोन ले रहा हूँ या ना ले रहा हूँ ठीक है और उसकी नहीं स्थिति सी ना उस तक कभी बात करता ना मैं करता कुछ नहीं करता ठीक है जो होना था हो गया और वह भी वीडियो देखती हो जे नहीं ये ना तो मेरे दोरा कॉल करिए तो जे मेरी वीडियो देख दियो तो भी देख दी देखा मैंने मेरा तो सारी जानकारी मैंने दे कर रही थी आज प्रिया नो कर रही आज नो कर रही तो रोज वीडियो देखा प्रिया की आज भी देख दी होगी भाई कुलदीप मेरे बारे में क्या कह रहे हैं ठीक है आज जोड़ रखू ये मतलब मारा घर बस जंदे मैं अपने उस आवास में ये बाया हूँ मैंने मेरा नहीं था ना 2 महीने नौकरा की तरह पेल कर रखा मैंने वह भी कुछ नहीं मैं चल छोड़ ये बनी अपना मैंने घर बस जंदे ना कॉल करिए मेरे लोग और मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं फूल भर के अरे बाप अपना घर संभाल दे मैंने ठीक है फूल भर के तो पहले भी थे पहले नहीं दिखे थे पर चलो भी जो गया सो गया भाई आप लोग अपने अपनी राय जरूर देना मैंने के करना चाहिए देखो मैं तो एक अकेली सोचने वाली आप हजारों लोग सोचने वाले हो आप लोग सारे जने सोचो और आप लोग बताओ कि मैंने इस इंसान के साथ प्यार से रहना चाहिए कि क्या करना चाहिए जो आप लोग कहोगे नहीं वो करूंगी अब मैं क्यों मैं इस पर विश्वास को नहीं कर सकती उंदा ही को नहीं विश्वास चाहे करूं भी फिर भी नहीं उंदा तोड़ कर जाओ मेरा विश्वास ये मन उंदा कदी चलो देखा है अभी ठीक है ये
किसी इंसान पर विश्वास करके भी देखांगे और मैं नु बताइए भाई मतलब ये बात सारी डिटेल को ना जल्दी जब तक मुझे पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा जब तक इनकी बात नहीं सुन लूं मैं जब तक चलो ठीक है भाई कोई हो नहीं पहला इतरिया सोचूंगा भाई पहला इतरिया पहला वाली वीडियो देखूंगा भाई उसमें मैं कैसे बोले करता क्या कुछ था मेरा उस तरह का ये मैं बढ़ने की कोशिश करूंगा मैं चल जो भी है यार मेरे पास आगे बोले इतना बोलो देखी जाओ कोई बात नहीं सारा कुछ ठीक करा क्योंकि भाई 2-3 महीने हो गए वीडियो में बोले बात करे जब तो एक्सपीरियंस था भाई रोज वीडियो आती ये बोलने क्या छूट रही है भाई पता नहीं है मैंने क्या बोलना क्या नहीं ठीक है तो बहुत कर रखा जब वो बातें याद करूं नहीं तो चल ठीक है तो आप जाए पर कोई बात नहीं चल राम राम मेरी बहनों को वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना और आप ये जरूर बताना सबसे